बिसमिल्ल रहीम असलैक्कम क्या हाल चाल है आप सबका मुझे उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे आज का व्लॉग जो है वो वीकेंड का व्लॉग है तो उसमें जो तीन चार दिनों में मेरी जो रूटीन थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो अभी मैं करने लगी हूँ ग्रॉसरी सेट तो मैंने सोचा है यहीं से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और अभी डाल रही हूँ मैं बिस्किट और निमको जार्स में डाल के रखूँगी क्योंकि अगर इनको ऐसी मैं पैकेट खुल जाए एक दफ़ा तो फिर जो है ना उसमें नमी हो जाती है तो इसलिए मैं इनको पहले डालूँगी जार्स में और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तानी स्टोर की चीज़ें निकाली मैंने वो रखी हैं दालें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी जो एक दो दाल थी मसूर की और मूंग की और वो डाली है। मैंने नूडल्स ख़त्म हुए थे फिर चावल ख़त्म हुए थे सबसे मेन चावल जो है बहुत ज़रूरी हुए थे और सब कुछ मंगवाया तो फिर उसके बाद मैंने कहा इनको अर्सल्स सो रहा था तो मैंने कहा अपनी जगह पे इनको यही टाइम है जब असल सो रहा होता ना तो, तो, तो मेरे पास फिर आराम से टाइम होता है चीज़ों को सेट करने का तो फिर उसके बाद ये मेरे खाने पीने का सामान है तो नीमको और बिस्किट बिस्किट जो पहले आपने देखे ये वो हैं ग्रेन्स वाले जो होते हैं ना जिसमें फ़ाइबर और वो सब कुछ होता है ये वो थे तो जब मुझे भूख लगती है ना तो फिर मैं ये दो या तीन खा लेती हूँ और साथ ही नीमको है और चस्के भी पूरे करने होते हैं तो नीमको जो है तीन पैकेट मैंने हसबेंड से बोला था एक लेके वो तीन लिए हैं तो ये जो गिर गया नीचे ये मैं उठा के खा रही हूँ तो ये मेरे दोनों जो है वो सेट हो गए हैं तो जब मुझे भूख लगती है ना हल्की फुल्की सी अमूमन मुझे लगती है पाँच बजे आ, शाम को या फिर रात को जो है अगर मैं जाग रही हूँ ना बारह एक बजे तो फिर मुझे भूख लग जाती है तो अभी और एरोस्पिन और लीडल से जो चीज़ें थी अब मैं वो रखने लगी हूँ पहले मैंने इनको सबको जो है वो साफ़ किया है जो कैबिनेट्स हैं जिसमें मैं रखती हूँ सौदे वगैरह और तकरीबन हर कैबिन में ही सौदे पड़े होते हैं समझ नहीं आती क्या कहाँ रखूँ इतना अरेंज करती हूँ चीज़ों को फिर दोबारा वो जब मिक्सअप हो जाती हैं फिर उनको दोबारा से करना पड़ता है एक साइड पर चीनी वगैरह रखी है और इधर ब्रेड्स रखी हैं क्योंकि जो बॉक्स है प्लास्टिक का उसमें चिप्स होते हैं तो उनमें ये ब्रेड्स वगैरह जो होती है ना वो फिस जाती हैं और ना ऐसे टूट जाती हैं क्योंकि फ़्रेश होती है तो वो ना जल्दी टूट जाती है तो बस ये अभी चने के टिन हैं चने भी मैं हमेशा जो है एक्स्ट्रा दो या तीन टिन जो होते हैं ना मैं एक्स्ट्रा जरूर रखती हूँ मिक्स फ्रूट भी रखती हूँ और हर चीज़ जो है ना वो एक एक दो दो एक्स्ट्रा लाजमी मैं रखती हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो चलो बंदा कभी ना भी एक हफ़्ता लेकिन यह है कि हर हफ्ते ही शॉप होती है ग्रोसरी लेकिन फिर भी जो है वो दो तीन जो है ना मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ फिर ये रस ई थी और बिरयानी के पैकेट हैं वो रखे हुए हैं और अब मैं फ़्रिज में रखने लगी हूँ चीज़ें दूध है और ये फिलिडेल्फिया जो क्रीम चीज़ है ये हस्बैंड इस दफ़ा जो है ना वो दो तीन मेरे ख्याल से उठा के ले आए थे क्योंकि उनको पता है मैं वो खाती हूँ डिज़र्ट बना खाती हूँ क्रीम चीज़ और क्रीम का और साथ कभी बिस्किट और केक उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रीम चीज़ केक ही बोल लें उसको या डिज़र्ट क्रीम चीज़ का बोल लें और अब ये जो है किटकेट मंगवाए थे तो ये ना मेरे ख्याल से कोई एक दो माह गए बेचारे तीन चार बचे ही पड़े रहते हैं हर वक्त क्योंकि फ्रिज में तो ऋषा को पता नहीं चलता वरना अब तक ख़त्म हो चुके होते हैं और अभी ये जो है मोजरेला है दूसरी चीज़ है तीन चार किस्म की जो चीज़ होती है मोजरेला और सैलड वाली मोजरेला और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो भी और चीज़ जो है हर किस्म की मैंने लाजमी ना हर हफ्ते मंगवानी होती है क्योंकि मेरा कभी भी किसी वक्त भी दिल कर सकता है ना मैं कुछ भी मेरा खाने का दिल कराता है क्योंकि यहाँ पे मिलता कुछ नहीं हो तो जब मेरा दिल कर रहा हो और मैं खा ना सकूँ फिर मुझे बहुत जो है ना वो गुस्सा आता है इसलिए मैं बर्गर वाली चीज़ और मोज़रेला और हर चीज़ जो है ना वो रेडी रखती हूँ बर्गर बंद हर हफ़्ते में मंगवाती हूँ तो मतलब अगर ना बनाने हो तो फिर नेक्स्ट वीक काम आ जाते हैं तो अभी मैं ये मोजरेला जो है वो फ्रेश ही थी बच गई थी तो इस वीकेंड ख़त्म हो गया था मतलब संडे को भी चीज़ का ऐसा कुछ भी नहीं बनाया पिज्ज़ा वगैरह या पास्ता कुछ भी ऐसा नहीं बन सका तो फिर जो ये चीज़ जो है ना पड़ी पड़ी फ्रिज में ख़राब हो जाती है बेशक इसकी डेट हो लेकिन फिर भी जो है ना वो ये ख़राब हो जाती है तो मैं इसको पहले तो मैंने इसको पानी में रखा हुआ था एक दिन तो उसके बाद जो है इसको मैंने ऐसे कद्दूकश कर दिया ग्रेट करके तो इसको अब मैं जो है इस जिपर में ज़िप लॉक बैग में डाल के तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी तो इससे ये होता है कि चीज़ जो है ना वो बहुत दिन तक जो है वो सही रहती है एक तो उसमें स्मेल नहीं होती वरना मोज़रेला में आप बेशक उसकी एक्सपायरी डेट अभी हो लेकिन फिर भी जो है ना वैलिड हो लेकिन फिर भी वो जो है ना उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है तो इसलिए फिर मैंने कहा ऐसे ज़ाया हो इतनी ज़्यादा मत पूरा ही अभी पड़ा हुआ था तो फिर मैंने कहा चलो इसको मैं ना फ्रीज़ कर देती हूँ ऐसे ग्रेट करके तो आ, कहते हैं कि अगर पानी में भी आप रखे रखो ना मोजरेला को तो वो सही रहती है फ्रेश रहती है लेकिन मुझे ऐसे लगता है फिर भी उसमें थोड़ी सी आती है एक दो दिन तो निकल जाते हैं लेकिन फ्रीज़ करके रखो तो वो ज़्यादा जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है ज़्यादा आप दो हफ्ता तक उसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं तो अभी ये मैं बस चाकू मैंने रखा है और मैं अभी काटने लगी हूँ वाटर मेलन तो वाटर मेलन जब तक सीज़न होता तो मैं तो हर हफ्ते मंगवाती हूँ और मैं अरसल अडिशा हम बड़े शौक से खाते हैं ठंडा हुआ हो तो बहुत मज़ा आता है और ऊपर से हो मीठा भी और रेड रेड हो तो फिर बहुत मज़ा आता है और ये बहुत अच्छा निकला था वाटर मेलन तो पहले तो हस्बैंड इससे थोड़े छोटे छोटे लाते थे लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो छोटे हैं ना उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहा तो इसलिए फिर वो अभी लेकर अरीशा देख रही मामा क्या कुछ तैयार कर रही है वाटरमेलन के साथ तो अभी बस ये कट चुका है बहुत अच्छा निकला था इतने बीज भी नहीं थे इसमें और मीठा भी बहुत ज़्यादा था और रेड तो अब देख लें कितना ज़्यादा है तो बहुत अच्छा ये निकला था और अब, अब इसको मैं ऊपर इसके ये शीट लगा के प्लास्टिक रैप लगा के तो इसको फिर मैं रखती हूँ क्योंकि एक तो इस ये ख़राब नहीं होता और दूसरा इसकी स्मेल दूसरी चीजों में नहीं जाती आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कलेजी की रेसिपी मटन की है नहीं बीफ की कलेजी है बीफ की कलेजी की रेसिपी और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मेरे हस्बैंड को जो है वो बीफ अच्छा लगता है बीफ की कलेजी अच्छी लगती है बीफ मटन पाए हर चीज़ उनको दूसरी अच्छी लगती चिकन ही उनको पसंद और मैं उनके ऑपोजिट हूँ मुझे हर चीज़ जो है वो चिकन की पसंद है और कलेजी भी मुझे चिकन की पसंद है तो बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैंने तो सिर्फ मसाले के साथ थोड़ी सी खाई थी तो ये है कि कलेजी का जो बोती होती है ना वो नहीं मैंने मुझसे खाई जाती एक तो सख्त तो नहीं होती लेकिन पता नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती मुझे ज़्यादा चिकन की पसंद तो बहुत ही क्विक ये जो है कलेजी बन जाती है इसी तरह सेम मैं उसकी बनाती हूँ चिकन की भी और इसी तरह ही मैंने मटन की बनाई है इसको कलेजी कढ़ाई कह लें आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये ऐसे बनती है और मसाला इसको बहुत ही ज़्यादा मज़े का था बोटी तो नहीं मैंने खाई लेकिन मसाला बहुत मज़े का था और प्याज इसके लिए मैंने फ्राई किया है फिफ्टी परसेंट कहने मैंने इसको फ़्राई किया मतलब थोड़ा सा गोल्डन हो गया उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और जब वो अच्छा उसका कचापन ख़त्म हो गया तो उसके बाद अब मैंने ये कलेजी के छोटे छोटे जो है वो पीसेस uh, कट किए थे तो क्योंकि बड़ा पीस था काफ़ी तो आई थिंक दो किलो या पता नहीं एक किलो थी भी नहीं पता मुझे तो <laughs> वो एक जो है आधा दो पैकेट बनाए थे आधा मैंने रख दिया था एक पैकेट तो एक मैं पका रही हूँ तो बस इसको मैं अच्छी तरह प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में और ऑयल में अच्छी तरह से इसको मैंने भुना था ताकि इसका जो स्मेल तो नहीं थी रहे क्योंकि मैंने सिरका इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड किया था इसमें मेरे हाल से मैंने फ़ोर टेबल स्पून या फ़ाइव टेबल स्पून जो है वो सिरका इसमें ऐड किया था तो ये बेसिकली सिरके में ही बनती है सारी तो बहुत ही मज़े की होती है तो सिरके से कुछ लोग इसको वॉश भी करते हैं लेकिन मैंने वॉश नहीं की मैंने इसी में डाल दिया सिरका तो बस अब ये अच्छी सी इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पंद्रह मिनट आई थिंक मैंने इसको भुना था बड़ा अच्छा पहले दस मिनट ऑनियन और अदरक लहसुन के साथ और फिर उसके बाद मैंने सिरका डाला फिर उसको पकाया तो अब मैं इसमें सारे स्पाइस सिंपल रही करी सिर्फ़ uh, मिर्च है नमक है और uh, कोटा हुआ धनिया है और हल्दी शामिल किया है थोड़ी सी मैंने और बस अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा बस मैंने पानी का इसको चींटा लगा के ना तो फिर इसको मैंने दम पे रखा था क्योंकि ये थोड़ी होती है ना मटन की इसकी बीफ की जो कलेजी है थो थोड़ा गलने में टाइम लेती है लेकिन इतना टाइम नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर चिकन भी जल्दी गल जाता है और फिर ज़ाहरा ये भी इसने जल्दी गलना था तो चिकन की तो इससे ज़्यादा जल्दी टाइम में पक जाती है लेकिन मटन थोड़ा टाइम लेता है मटन ही कही जा रही मैं बार बार बता रही मुझे क्या हो गया बीफ बीफ की कलेजी जो है ना वो थोड़ा टाइम लेती है और अब लास्ट में मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और देखिए कितनी अच्छी सी भुनी हुई जो है वो कलेजी कढ़ाई तीर होगी थोड़ा सा मैंने इसमें पानी थोड़ा सा बिल्कुल एक दो तो टेबल स्पून पानी डाला होगा मैंने इसमें क्योंकि हस्बैंड जो है वो सूखा सूखा नहीं उनको अच्छा लगता ग्रेवी वाली चीज़ पसंद होती है उनको तो बस ऊपर से डाला है मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और हो गई है मज़ेदार सी कलेजी तैयार और फिर जो है कलेजी क्योंकि मैंने इतनी नहीं खाई थी तो मुझे उसके बाद भूख लग गई थी तो मैंने जो है और सवैयाँ भी मैं लाजमी मंगवा के रखती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो कभी भी दिल कर आता है सवैयाँ खाने का तो वो दो पैकेट जो है वो लेके आए थे हस्बैंड और ये शमा की सवैयाँ थी बहुत ही ज़्यादा नेशनल की भी बहुत अच्छी होती है शमा की तो बहुत ही अच्छी थी और ये पहले ही इतनी मतलब अच्छी भुनी हुई थी रेड थी बिल्कुल तो इनको इतना भूनने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी जो है वो मैंने बटर में इसको थोड़ा सा भूना है उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली और थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर बस मैंने इसको दम पर लगा दिया और ये इतनी जल्दी बन जाती है पाँच मिनट भी नहीं लगते सवैयाँ रेडी हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की लगती है मुझे दूध वाली से ज़्यादा मुझे भुनी हुई जन वो ज़्यादा अच्छी लगती है तो चले जी ठीक है अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग और अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा के टेक केयर अल्लाह हाफिज़